कपास के काश्तकारों के नाम अहम पैगाम। अस्सलाम वालेकुम, किसान लिंक में खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफ़ा मैं कपास काश्त कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते मैंने कुछ काश्त की थी जिसकी वीडियो मैं नहीं बना सका कुछ निजी मसरूफियात की वजह से। मेरा प्लान 5 एकड़ तक का था इस दफ़ा, लेकिन जर्मिनेशन को देखते हुए मैंने 3 एकड़ और बढ़ाए हैं और आज नेक्स्ट वीक में मैं 3 एकड़ और काश्त कर रहा हूँ। वराइटीज़ मैंने लास्ट ईयर जो काश्त की थी उनमें साइटो की वराइटी थी K111 और सिल्वर क्वीन की वराइटी थी। और जो सबसे अच्छी बात है, जो अब की कपास की काश्त कर रहा हूँ, मैं पिछले 3 साल से कपास काश्त कर रहा हूँ बजाते ख़ुद। इससे पहले मेरे वालद जो थे वो काश्त करते थे, उनकी निगरानी में मैंने सीखा इस काम को और आज 3रा साल है मैं इसको काश्त कर रहा हूँ। इसमें सबसे अच्छी बात जो मैंने देखी है कि वराइटीज़ में ये ग्लाइफोसेट फ्री हैं, पिंक का अटैक नहीं होता, सुंडी का अटैक बहुत कम होता है और कुव्वत मुदाफ़त इनमें बहुत ज़्यादा है। मैंने जो सिलेक्शन की है इस बार, मैं सिर्फ 2 वराइटीज़ लगा रहा हूँ, K111 और K324 नई वराइटी है, K111 की ही नेक्स्ट जनरेशन है। और उम्मीद है कि ये साल कपास के काश्तकारों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और जो पिछले साल हमें मसाइल फेस करने पड़े हैं वो हमें नहीं करने पड़ेंगे। जैसे कि आखिर में जाके जो रेट था 8,000 गवर्नमेंट ने तय किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद हमें 5,000-5,500 रुपये को लेने वाला नहीं था। आज मैं जो काश्त कर रहा हूँ कपास की, और ये मैं काश्त कर रहा हूँ, इससे पहले जो था मैंने पिछले साल चोपे भी लगवाए। इसकी काश्त की सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपने सिर्फ मौसम के लिहाज से इसको बहुत अच्छे तरीके से मौसम को चेक करके काश्त करना है कि बारिश के इम्कान नहीं होने चाहिए। बारिश होगी तो समझ लें आपकी कपास 50% एंड हो गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि उस कपास को आप तलफ करें, उसकी जगह पर कोई और चीज़ काश्त करें।